नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ी हुई है। ये दो लोगों का नाम जैसे ही आप लेते हैं ना, वैसे ही नीतीश कुमार का थोड़ा सा मैंने कमजोर पक्ष दिखाई देने लगता है। लेकिन प्रशांत किशोर ने वो नेक्सस बनाया, वो कड़ी बन करके आए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को, राजद को और जदयू को, तीनों को एक मंच पे ला करके खड़ा किया। प्रशांत किशोर के स्ट्रेटजी और प्रशांत किशोर के जो स्लोगन थे, उस स्लोगन पे ही चुनाव लड़ा गया। तो इसका मतलब प्रशांत किशोर को ये पता था कि किस प्रकृति में से तीनों चुनाव लड़ रहे हैं। आरसीपी सिंह ने कोशिश किया और भारतीय जनता पार्टी ने आरसीपी सिंह को एडॉप्ट तो किया, लेकिन आप जानते हैं जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है और उसको पूरा सम्मान मान उसके हिसाब से उसको लालन पालन नहीं होता है तो वो बदमाश निकल जाता है। नॉर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और चर्चा गर्म हो गई है। अगले 24 घंटे बिहार के राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घंटे हैं। इस 24 घंटे में तय हो जाएगा कि क्या बिहार में बदलाव होने जा रहा है। आज देखिए राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से किस तरीके से जो मोहम्मद शहाबुद्दीन है उनके परिवार को एक बार फिर से आरजेडी में शामिल करा लिया गया। ये एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। तेजस्वी यादव 2024 में इस वोट बैंक की वजह से कितने ज़्यादा डैमेज हुए थे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको सीटें बहुत कम मिली थी। जो मेहनत वो कर रहे थे, जिसके वजह से तेजस्वी के कमर में चोट तक आ गई थी, वो मेहनत सिर्फ और सिर्फ हेना साहब की वजह से डैमेज हो गया। इधर हेना आरजेडी में, इधर नीतीश एक बैठक बुला रहे हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिस पर नीतीश को चर्चा करना है। ये बैठक होगी, इसमें बहुत बड़े फैसले होंगे और 24 घंटे में क्या कुछ बिहार में बदलाव होने जा रहा है इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बाबा जुड़ गए हैं। और बिहार में अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति के लिए, बहुत कुछ राजनीतिक उठाक्रम होने वाले हैं और हो भी रहे हैं। आज सुबह से लगातार हम आपको बता भी रहे थे, दर्शक भी इस चीज़ को देख रहे थे, क्या करने वाले हैं नीतीश, कुछ बड़ा फैसला करेंगे। देखिए रत्नेश, जब ये हम खबर कर रहे हैं तो ठीक 24 घंटे हैं फैसला आने में, और इस फैसले के पीछे कई तरह की चर्चाएं और कयास लगाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि जनता दल यूनाइटेड के जिन नेताओं का बयान आया है, दो लोगों का बयान आया है, इस बीच में कई फ़ोन कॉल्स भी आए हैं हमारे पास, हमने खबर भी किया था कि उस फ़ोन कॉल में यही कहा जा रहा है कि नीतीश कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं और ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं है, उसकी सेहत के लिए, उसके राजनीतिक वजूद के लिए ठीक नहीं है। क्या कारण हो सकते हैं? तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि दो लोगों के बयान ने कंफ्यूज किया है। जी। कल आपने देखा कि जिस तरह से बयान आया संजय सिंह का, संजय झा का, उसके बाद फिर ललन सिंह ने भी बयान दिया, लालू प्रसाद पर हमलावर थे, लेकिन प्रक्रिया जो चल रही है दोनों की एक तरह की चल रही है। एक तरफ आप देखे होंगे कि जो माहौल बना है, राजनीतिक माहौल बना है इन चार सीटों के चुनाव में, इसने थोड़ा सा एक्सपोज किया है दोनों गठबंधन को, जिसमें इंडिया गठबंधन थोड़ा कैलकुलेटेड नजर आ रहा है। अच्छा। आपने कांग्रेस की तरफ से कोई बयान सुना है क्या? नहीं। बयान तो एनडीए की तरफ से भी नहीं आया है, लेकिन जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जिस तरह का अब तक देखने को मिला है, कुछ सीटों की बात करें तो, कि वो जो जिसकी चर्चा कर रहे थे ललन सिंह और संजय झा, कि 2024 के रिकॉर्ड को हम और उस मिजाज को हम बना के रखेंगे, तो वो बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, लू फॉल्स है। इसको लेकर के हम लगातार खबरों में बता रहे हैं कि नीतीश कुमार की नाराजगी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये कयास थे हमारे, हम जो लगातार पिछले कई दिनों से कर रहे थे, लेकिन अब उस पर नीतीश कुमार के एक बहुत करीबी, समता पार्टी के काल से ही उनके साथ जुड़े रहे हैं, उन्होंने फोन करके हम मुझे बताया, कई बार उनकी बातें सत्य भी हुई हैं, कई बार उनकी बातें असत्य भी हुई हैं, लेकिन उनकी बातों के सत्य का प्रतिशत ज़्यादा है। नीतीश कुमार को लेकर के, आरसीपी सिंह को लेकर के और प्रशांत किशोर को लेकर के जो माहौल बना है, कि ये सभी लोग जो नीतीश कुमार की पार्टी से बाहर निकल करके, जिस पर आपने देखा होगा पंचनामा में नमन जी ने एक बहुत बड़ा विश्लेषण भी किया था, दिलजलों की फौज उन्होंने बताया था, प्रेत बताया था, और भी बहुत सारी बातें बताया था कि तीन प्रेत जो हैं वो, ये सभी बातें उन्होंने बताई थी। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये थी कि नीतीश कुमार
कि बेचैनी बढ़ी हुई है। कारण कि यदि आपके घर का कोई व्यक्ति आपके साथ, मैं खबर कर रहा तो बताया था मैंने घर का भेदी लंका डाल, जी 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 विभीषण की बात, जिस तरह से आप ये दो लोगों का नाम जैसे ही आप लेते हैं ना, वैसे ही नीतीश कुमार का थोड़ा सा मैंने कमजोर पक्ष दिखाई देने लगता है। पहला प्रशांत किशोर, जिन्होंने 2015 में भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार जब अलग हुए थे 7-8 साल के साथ के बाद, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, एनडीए से वो अलग हुए थे तो नीतीश कुमार के पास विकल्प बहुत सीमित था, क्योंकि महागठबंधन और यूपीए उस समय का उनको स्वीकार नहीं किया था, लोकसभा का चुनाव अलग अलग लड़े थे। लेकिन प्रशांत किशोर ने वो नेक्सस बनाया, वो कड़ी बन करके आए, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को, राजद को और जदयू को तीनों को एक मंच पे ला करके खड़ा किया और परिणाम उसके सबके सामने है, रिकॉर्ड मतों से जीते भी, और भारतीय जनता पार्टी को इतना करारा झटका था कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। यानी कि प्रशांत किशोर को तीनों ही पार्टियों का गूढ़ रहस्य पता है। एक साथ जब चुनाव लड़ा है, प्रशांत किशोर के स्ट्रेटजी और प्रशांत किशोर के जो स्लोगन थे उस स्लोगन पे ही चुनाव लड़ा गया, तो इसका मतलब प्रशांत किशोर को ये पता था कि किस प्रकृति में से तीनों चुनाव लड़ रहे हैं, और लगभग ये सेट सब कुछ किया हुआ उन्हीं का था जी। तो पहली बात तो ये कि प्रशांत किशोर काफ़ी चिंता का कारण है नीतीश कुमार के लिए, कि वो पार्टी बना रहे हैं और उनकी पार्टी बनने के बाद आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए अभी 4 सीटों के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें भी उनकी भूमिका के बारे में चर्चा हो रही है कि क्या भूमिका की निभा करेंगे वो। 23 तारीख को रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट से पहले कई तरह की चिंताएँ, कई तरह की बातें सामने आएंगी। तो पहला तो प्रशांत किशोर की बात आप कर लीजिए, दूसरा आपने देखा होगा कि एक और शख्स हैं जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते हैं। वर्तमान परिस्थिति में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने पार्टी ही उनके ऊपर छोड़ दिया था और वो बेहतर काम भी कर रहे थे। आरसीपी सिंह की मैं बात कर रहा हूँ, आरसीपी सिंह ने कोशिश किया और भारतीय जनता पार्टी ने आरसीपी सिंह को एडॉप्ट तो किया, लेकिन आप जानते हैं जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है और उसको पूरा सम्मान मान उसके हिसाब से उसको लालन पालन नहीं होता है तो वो बदमाश निकल जाता है। आरसीपी सिंह के साथ यही हुआ कि उनको भाजपा ने एडॉप्ट तो किया, लालन पालन ठीक से नहीं किया, उनकी क्षमता का सदुपयोग नहीं किया, उनके लोगों को सही इस्तेमाल नहीं किया, और काफ़ी टैलेंटेड लोग थे जो कहीं कहीं हैं तो अपना काम कर ही रहे हैं, जो दिख भी रहा है। भाजपा को ये लगता होगा कि मतलब इनके वोट बैंक की जरूरत नहीं है। नहीं, उसके साथ साथ एक और बड़ी घटना ने घट गई कि आरसीपी सिंह को यूज किया जा सकता था। 2024 के चुनाव में आरसीपी सिंह की भूमिका आप देखते कि बहुत बड़ी हो जाती, लेकिन ये तब भूमिका होती जब आरसीपी सिंह भाजपा में रहते, एनडीए में रहते और नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होते। लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी करने के बाद से उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार का जो लू फॉल्स था वो तो आरसीपी जानते थे और भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में थी नहीं कि नीतीश का लू फॉल्स बताए। नीतीश के भरोसे वो बिहार में चुनाव लड़ रही थी, भले ही सीटें कम कर दी गई हो या और भी बात हुई हो। अब वही आरसीपी सिंह इस लंबे इंतजार के बाद और जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो निश्चित रूप से एक ईगर जो भीतर उधर निकल रहा था, एक चिंता जो उनके लोगों के प्रति उनकी हो सकती है, हालांकि ये चिंता उनको उसी समय करनी चाहिए थी जिस समय वो भाजपा ज्वाइन किए, जिस समय लोग उनको दबाव बना रहे थे कि पार्टी बना लीजिए, जिस समय उनके साथ भारी संख्या में मजबूत लोग थे। एक बार फिर से ये बात कही जा रही है और जिन शख्स ने मुझे फ़ोन करके बताया है वो खुद ही अभी डिसीजन नहीं कर पाए हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ रहें, उस नीतीश कुमार के साथ जो अभी पलटी मारने वाले हैं। उनका कहना है कि अभी वो पलटी मारेंगे। उन्होंने मुझे खुद बहुत स्वेच्छा से बताया, कई पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं कि ये कारण है जिसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ रत्नेश, आरसीपी सिंह की पार्टी बन रही है तो उनका कहना यह है कि 31 तारीख को मैं पटना में रहूंगा, यानी 28 को भी वो पटना में है और 31 तारीख को भी पटना में है। जब तो 28 के मीटिंग में जा सकते हैं क्या? नहीं, उस मीटिंग से बोले हैं कि वो बोले हैं कि पटना में रहूंगा अगर परिस्थितियां मेरे अनुकूल होती हैं। जो बातें मुझ तक आई हैं चल करके, अगर वो बातें होती हैं तब तो मीटिंग में शामिल होंगे।
बीच मीटिंग में भी शामिल हो सकते हैं, वरना वो मीटिंग में नहीं जाएंगे। और 31 तारीख वाली मीटिंग में, 31 तारीख को जब पार्टी लॉन्च होगी तो उसमें वो पूरी मजबूती के साथ सब कुछ करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तब वो फैसला लेंगे और फैसला उनका 31 तारीख को आरसीपी सिंह के साथ हो सकता है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है जिसकी चर्चा करने के लिए हम आए हैं, ये सब बातें अपनी जगह पर पैरेलली चल रही हैं, लेकिन इस बीच में आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि नीतीश कुमार ने अचानक से 28 तारीख को मीटिंग बुला लिया है। और ये मीटिंग सिर्फ जदयू के लोगों की नहीं है, ये एनडीए गठबंधन की मीटिंग है। यानी कि इस मीटिंग में उन सारे मुद्दों को हो सकता है कि नीतीश कुमार उठाएं जो मुद्दे अब तक वो चुपचाप सुनते समझते और सहते रहे हैं। सबसे बड़ी बात रत्नेश की, जो बिहार में अभी राजनीतिक माहौल बना है जी, उस माहौल में नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति के बिल्कुल विपरीत है। जैसे आप इस बात को मान सकते हैं, पिछली बातों को दोहराने से कोई फायदा नहीं, लेकिन उसके पॉइंट्स तो बताना जरूरी है ना। लोकसभा चुनाव, नीतीश कुमार को एक सीट कम मिला, उसके बाद मंत्रिमंडल गठन, नीतीश कुमार के मन मुताबिक मंत्रिमंडल नहीं मिला, और ना उस मंत्रिमंडल में वो चाहते थे कि दो कैबिनेट और दो राज्य मिले, वो भी नहीं हुआ। इसके अलावे नीतीश कुमार ने चाहा था कि जनगणना हो, जातीय जनगणना हो, ये भी नहीं हुआ। इसके साथ साथ वो चाहते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या ऐसा विशेष पैकेज अनाउंस हो जो लगे, खास करके बिहार को उद्योग की जरूरत है, पलायन को रोकने की जरूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में करना है, कृषि के क्षेत्र में करना है। तो इन सभी बातों को करने के लिए जो परिस्थितियाँ चाहिए, उन परिस्थितियों को लेकर के भी बहुत सारी बातें सामने नजर आ रही हैं। ये भी बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जहन में है। इसके अलावे यदि आप बात करते हैं तो नज़र आ रहा होगा आपको कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एक्ट कर रही है, दो तरह की जिंदगी भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ जी रही है। एक, बिहार में लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े होने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय नेतृत्व या सांसद मंत्री तक और केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष लोग तक सभी जो हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हैं, उनके आइडियोलॉजी के विरोध में खड़े हैं। गिरिराज सिंह को खुला छूट दे देना है, क्या कहता है। इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात मैं पहले भी कर रहा था, और कोऑर्डिनेशन कमेटी अगर नहीं बनती है तो नीतीश कुमार का मीटिंग बुलाने का कोई औचित्य और तात्पर्य तो नज़र दूर दूर तक नहीं आता है, क्योंकि आखिर एनडीए घटक दलों की बैठक बुलाएंगे तो जो कोऑर्डिनेटर होगा वही ना मीटिंग बुलाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है कि इस मीटिंग को बुलाया हो। इसके अलावा मैं चर्चा कर रहा था कि झारखंड में भी नीतीश कुमार को लेट डाउन किया गया है। मैं इस बात की चर्चा पहले भी कर चुका हूँ कि नीतीश कुमार चाहते थे कि झारखंड में उनको उनके हिसाब से मिले, वो अपने सबसे करीबी खीरू महतो तक को टिकट नहीं दे पाए, दो टिकट मिलने के कारण, क्योंकि दो लोगों को उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराया था, सरजू राय और राजा पीटर को, ये दोनों ही मुख्यमंत्री को हराने वाले शख्स हैं, तो इनका टिकट काट के तो खीरू महतो को दिया नहीं जा सकता था। खीरू महतो के लिए वो एक टिकट हर हाल में चाहते थे, वो टिकट किसको दे दिया गया, चिराग पासवान को। तो नीतीश कुमार इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर परेशान जरूर हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2025 के तैयारी को लेकर के नीतीश कुमार के बारे में कहा तो जा रहा है कि नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक्शन वो नहीं है। मतलब बीजेपी के पास भी कुछ प्लान है? निश्चित रूप से बीजेपी के पास प्लान है, तभी तो गिरिराज सिंह, आप देख रहे हैं कि बिहार में जाकर के जिस भाषा में जिस तरह की बातें गिरिराज सिंह ने कहा, न तो वो तो संविधान के सम्मत है और न ही उस बयान को कोई टॉलरेट कर सकता है या उसको एक्सेप्ट कर सकता है। आप समझ सकते हैं ना कि उन्होंने कहा कि एक एक थप्पड़ मारेंगे, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति के विपरीत है। 2005 से पहले भले ही लालू प्रसाद के लोग कहते हो कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक ठाक था, ऐसे था वैसे था, लेकिन 2005 से पहले ये सारी बातें होती थी ना। कांग्रेस के शासन में दंगे हुआ करते थे ना, नक्सली प्रभावित थे ना। नीतीश के शासन काल में तो ये नहीं है। इसके पीछे कारण है कि नीतीश कुमार बहुत बोल्ड फैसले लेते हैं, और उसी फैसले पर यदि आज के डेट में नीतीश कुमार की जो आइडियोलॉजी है, राजनीतिक प्रकृति है, उस पर ही कोई प्रहार करे तो नीतीश कुमार क्या करेंगे। अब इस बात को लेकर के चर्चा बहुत जबरदस्त हो गई है कि अगले 24 घंटे जो हैं वो बिहार की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा कठिन है। सारी बातें रखेंगे नीतीश कुमार, निश्चित रूप से सारी बातें रखेंगे। क्या जिन लोगों से मेरी बात हो रही है लगातार, उनमें से लोग कंफ्यूज भी हैं, आप समझिएगा।
मैं बार बार कहता हूं रत्नेश कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वेच्छा से नहीं है। अगर आपके हमारे यहाँ पहले हुआ करता था, अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, देखा देखी होता है, छेका होता है, बरछिया होता है, लिविंग होता है, क्या होता है क्या होता है, एक दूसरे संतुष्ट होते हैं तो ब्याह करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता था, हमारे यहाँ अखमुद्दा ब्याह होता था और जिससे शादी हो गई उसके साथ निभाना ही पड़ता था। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो उस तरह की नहीं है। कई बार नीतीश कुमार भाग चुके हैं, कई बार नीतीश कुमार को कभी राष्ट्रीय जनता दल ने तो कभी भाजपा ने स्वीकार किया है और अपने अपने स्वार्थ में सभी राजनीति में सत्ता की भूख में हैं। अब जो परिस्थितियां बनी है उसमें गठबंधन का भविष्य तय होना है। ये गठबंधन का भविष्य सिर्फ बिहार में नहीं तय होना है, देशव्यापी भी होना है। अगर नीतीश कुमार, जो मैं सोच रहा हूँ या जो बातें हुई हैं कि देशव्यापी इस पूरे मामले को लेकर के चला जा रहा है, ये नीतीश कुमार का एक कहा जाए तो प्रयोग है, जो प्रयोग करके नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को अपना दोष छुड़ा लें। जैसे आप देखिए कोई छत पर खड़ा है कूदने की तैयारी कर रहा है तो आप अपना दोष छुड़ा नहीं करते, मत कूदा मत कूदा मत कूदा बोलते हैं ना, कूदने वाला तो कूदेगा ही। अब नीतीश कुमार जो है छुड़ाना चाहते हैं। इसी तरह की परिस्थिति बनी थी 2022 में, आपको याद होगा, ऐसी ही एक मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग में कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी, सारे जो इंडिया गठबंधन के महागठबंधन घटक दल थे सभी को बुलाया गया था और वो मीटिंग 2 मिनट में ख़त्म हो गई थी। मैं इसकी भी चर्चा कर चुका हूँ कि हम लोग बैठे हुए थे विधानसभा में, जानकारी तुरंत हमारे पास आई क्योंकि बगल में ही मीटिंग चल रही थी, तुरंत जानकारी आई कि नीतीश कुमार ने मीटिंग शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दिया है। और वही कहा है तो एक मोबाइल क्लिप देखने के कारण। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें सम्राट चौधरी के बस में नहीं है गिरिराज सिंह को रोक देना। आपने दिलीप जायसवाल का सुना ही होगा, अब दिलीप जायसवाल इससे इनकार कर रहे हैं, विजय सिन्हा इससे इनकार कर रहे हैं, सम्राट चौधरी इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बाकी का जो फोरम है वो उसको डिफेंड कर रहा है। यहाँ तक कि प्रदीप कुमार ने तो बयान ही दे दिया कि अगर रहना है तो आपको हिंदू बनकर रहना होगा। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रकृति के विपरीत है। सबसे बड़ी बात रत्नेश कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ एक दो दिन के अंदर मैं वो खबर करूंगा क्योंकि बिहार की राजनीति में इतना ना उथल पुथल हो रहा है कि उस खबर को करने से के लिए हम लोग को थोड़ा समय निकालना होगा और राजनीतिक जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है रोज उससे थोड़ा सा अलग होंगे तभी वो खबर कर सकते हैं कि जो परिसीमन की बात की जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही है, ये भी राजनीतिक दलों को बहुत प्रभावित कर रहा है। बिहार में परिसीमन के बाद कितनी सीट होगी, कौन कौन सा समीकरण बनेगा, कौन सा क्षेत्र किधर बटेगा, क्या बिहार में एक टेरिटरी यूनियन टेरिटरी बन जाएगा, ये सभी बातें कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रही है। और ऐसी स्थिति में आपने देखा कि हिना साहब एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल में जाती हैं। कब जाती हैं? जब प्रशांत किशोर एक्शन में आ रहते हैं, मुसलमानों को एकजुट करने की बात करते हैं, गिरिराज सिंह यात्रा पर हिंदुओं को बचाने के लिए 2-4 सीटों पर चुनाव हो रहा है जिसमें गर्दन फंसी हुई है, जिस सीट को 6-7 बार से जीतती आ रही है राष्ट्रीय जनता दल, वहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को खड़ा करके प्रशांत किशोर ने गेम को पलटने की कोशिश किया है, AIMIM वहाँ सक्रिय है। ऐसी स्थिति में अचानक से हिना साहब और ओसामा को ज्वाइन कराने के पीछे क्या होगा? इस हिना साहब और ओसामा के बारे में कहा जाता है कि ये जदयू ज्वाइन करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने अभय दान देते हुए लालू प्रसाद के खेमे में भेज दिया। मैं ये भी बात कहता हूँ कि नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे अपने जीते जी कि लालू प्रसाद इतना कमजोर हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को निगल जाए। जंगल का राजा जब मजबूत रहता है तो वो अपने सेना को भी, आप देखिएगा कि जो शेर के अगल बगल में जो लोग होते हैं उनको भी मजबूत करता है, और अगर शिकार करता है तो छोटे छोटे जानवरों का करता है जो उसके काम के लायक नहीं है या उसके जो समकक्ष हैं वैसे जानवरों का शिकार करता है। तो जो वर्तमान परिस्थिति बिहार में बनी है वो 24 घंटा जो है वो काफ़ी भारी है, और नीतीश कुमार को कोई फैसला लेना है, नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है, भविष्य क्या होगा गठबंधन का। जी देखिए, तो नीतीश कुमार कल एक बैठक करेंगे और इस बैठक में ही फैसला होगा कि क्या करना है। NDA गठबंधन के साथ ही मौजूद रहेंगे,
अररिया के सांसद प्रदीप सिंह के बयान के बाद गिरिराज सिंह की यात्रा पर भी अपनी राय रखेंगे। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी बातचीत होगी। बिहार के विधानसभा सीट में कितनी सीटें दी जाएंगी जदयू को, इस पर भी चर्चा होगी। नीतीश कुमार के महत्वपूर्ण फैसले क्या होते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, आपको लगातार खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेड मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है, ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।